A man A moves in north direction with a speed 10 meter per second and another man B moves in 30 degree north of east with 10 meter per second. Find relative velocity of B with respect to A. पहले directions assume करते हैं, मान लेते हैं east, ये north, ये west है और ये south. तो man A north direction में चल रहा है 10 meter per second, ये वेलोसिटी वेक्टर ए का है और बी का है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. तो इसको कैसे रीड करते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब पहले ईस्ट की तरफ जाएंगे, उधर से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ घूमेंगे. तो बी का वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे है और ये एंगल है 30 डिग्री. निकालना हमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. यहाँ पे वेक्टर्स का यूज कर लेते हैं. मान ले ईस्ट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और नॉर्थ डायरेक्शन में वाई एक्सिस है. तो B का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, 10 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है, 10 sin 30 जे कैप. A का वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, 10 जे कैप, ये आएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 10 जे कैप. ये हो गया 5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप. ये है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन भी निकालनी हो, इस वेलोसिटी वेक्टर को सोचते हैं, एक्स डायरेक्शन में है 5√3 और वाई डायरेक्शन में नेगेटिव की तरफ -5. तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे होगा. तो अगर ये एंगल फाई ले लें तो टैन फाई यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5√3 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा √3. तो यहाँ से फाइव कितना आएगा, 60 डिग्री. अगर इसकी डायरेक्शन देखना चाहें रिलेटिव वेलोसिटी की, तो वो होगी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ.